जो आप रास्ता देख रहा है ये हमारा बिलासपुर मार्ग है। ये सामने हमारा रोकनपुर का महामाया मंदिर है। ये मंदिर जाने के लिए ये रास्ता बिलासपुर से आ रहा है, बिलासपुर से 25 किलोमीटर है। उसके बाद लेफ्ट साइड में महामाया मंदिर है और सीधा जाने से अमरकंटक है, उसके बाद राइट साइड में जाने से काठगोड़ा है। ये देखिए बाएं जाने से हमारा हो गया है महामाया मंदिर, हम लोग राइट टर्न करेंगे। ये हमारा महामाया मंदिर का रास्ता है, हम लोग अभी राइट टर्न कर रहे हैं और सीधा जो रास्ता आप देख रहे हैं वो हमारा अमरकंटक का मार्ग है। एक कारगिल रोड होते हुए भी जा सकते हैं जंगल का रास्ता होते हुए और ये रतनपुर का रास्ता होते हुए आप सीधा जाने से आपको अमरकंटक। और हम लोग अभी जस्ट एक चौक में आके पहुंचा हूँ रतनपुर का, अभी राइट टर्न कर रहा हूँ। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ना ये हमारा रतनपुर काठगोड़ा मार्ग है और इसका सामने से आप देख रहे हैं बाएं जो चला गया रास्ता 1.2 किलोमीटर दूर में ही हमारा राम टेकड़ी मंदिर है। हमारा रतनपुर हमारा प्रसिद्ध है महामाया मंदिर के लिए, पीछे है महामाया मंदिर से राम टेकड़ी मंदिर 3 किलोमीटर है। अभी हम लोग बाएं मुड़ के राम टेकड़ी मंदिर के पास चलेंगे। धन्यवाद। यही हमारा गेट है, इसी गेट से ही हम लोग अंदर में राम टेकड़ी मंदिर की तरफ जाएंगे। ये देखिए राम टेकड़ी मंदिर का जाने का यही है प्रवेश द्वार। हम लोग जो काठगोड़ा का रास्ता होते हुए बाएं मुड़े थे, उसके बाद सीधा हम लोग को ऊपर चलना पड़ेगा। ये हमारा ट्रेकिंग करके भी जा सकते हैं, इसमें आप आपका व्हीकल लेके भी जा सकते हैं। ये मोटरेबल रोड है, कोई तकलीफ नहीं है, सुबंदोबस्त है। हम लोग उसी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये हमारा नगर पालिका रतनपुर की तरफ से इसको मेंटेन किया जाता है। चलिए हम लोग धीरे धीरे ऊपर चलते हैं राम टेकड़ी मंदिर। ये पहाड़ का ऊपर में हम लोग जो चलेंगे, ये पहाड़ का कोई नाम तो नहीं है। ये हमारा महामाया मंदिर से 3 किलोमीटर दूर में है बिलासपुर में। अगर बिलासपुर से डायरेक्ट इधर आएंगे ये करीबन 25 किलोमीटर है और रायपुर से अगर आएंगे तो रायपुर से आपको आने के लिए इधर आपको आना पड़ेगा करीबन 140 किलोमीटर। रायपुर से इधर 140 किलोमीटर है। ये रास्ता सीधा निकल के चला गया, देख रहा है आप दूर में और मंदिर दिखाई दे रहा है, उसी जगह में हम लोग को जाना है। मनोरम परिवेश है, चारी तरफ पहाड़ गाछ वृक्ष चारी तरफ। ये देखिए पूरा घाट सेक्शन है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 1.2 किलोमीटर है। इसी जगह से हम लोग चढ़ के ऊपर जाएंगे। आप चारी तरफ का नजारा देख सकते हैं, ये ग्रेडियंट थोड़ा सा शार्प है। कोई पैदल मार्ग में जाना चाहता है तो आराम से जा सकते हैं, रास्ता काफी अच्छा है। रतनपुर नगर पालिका अति सुंदर ढंग से इसको मेंटेन किया है, देखने से पता चल रहा है। अब देखिए राइट साइड में सुंदर तालाब भी है। चलो हम लोग धीरे धीरे मंदिर तरफ जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहा है। अत्यंत दृष्टि नंदन है,
बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर में माने बिलासपुर का जो महामाया चौक है उधर से हमारा रतनपुर और ये मंदिर तक 25 किलोमीटर है। अगर कोई रतनपुर में महामाया मंदिर दर्शन करने के बाद राम टेकरी मंदिर में आना चाहते हैं वो 3 किलोमीटर है। रतनपुर काठगोड़ा मार्ग से वो आप आना पड़ेगा रतन 2 किलोमीटर, उसके बाद लेफ्ट साइड 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये मंदिर का एक वैशिष्ट्य भी है, अति पुरातन मंदिर है, ये मराठा राज का अमल में ये प्रतिष्ठा हुआ था। इधर राम सीता एवं हनुमान जी अधिष्ठान कर रहा है और तीनों मूर्ति ग्रेनाइट का है, आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें हमारा विष्णु जी भी है, इसमें हमारा काल भैरव महाराज भी है। मंदिर ही है राम पहाड़ी, कोई कोई बोलता है राम टेकरी, कोई कोई बोलता है राम जानकी मंदिर। देखिए हम लोग अभी राम टेकरी मंदिर का सामने खड़ा है। ये राम टेकरी मंदिर रतनपुर में है और कैसे आएंगे मैं अभी आप लोग के पास बताया था। ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था ये मराठा राज जो हमारा था शिवाजी राव भोसले, माने हिस्टोरियन लोग और अच्छा बता पाएंगे। ये हमारा मराठा साम्राज्य का टाइम है ना, ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था शिवाजी राव भोसले इसका प्रतिष्ठा किया था। लेकिन कोई कोई जगह में मैं ये भी देख रहा हूँ भीमाजी राव और एक हमारा मराठा जमाना का एक राजा था ये मंदिर वो बनाया था ऐसा भी कहावाने में आता है। तो इतिहास बताएगा, ये हमारा काम नहीं है, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, ये हिस्टोरियन लोग अच्छे से क्लियर कर पाएगा। लेकिन मैं देखा हूँ इसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन का पीछे दो राजा का नाम जुड़ा हुआ है, एक हमारा शिवाजी राव भोसले और एक हमारा भीमाजी। चलिए चलते हैं मंदिर का अंदर। आज ये मंदिर में मैं अकेला ही हूँ, बहुत पुरातन मंदिर है ये राम टेकरी मंदिर। ये सीढ़ी अतिक्रम करके धीरे धीरे मैं ऊपर उठ रहा हूँ। आज मेरे साथ मेरा ड्राइवर कम गाइड राजू भी है, साथ दे रहा है। मैं पहले चारी तरफ का ये मंदिर का परिसर आपको सामने परिवेशन कर रहा हूँ, आप देखते जाइए जितना दूर हो सकता है आपको मैं दिखाऊंगा। रतनपुर का जो नगर पालिका अंडर में जितना एरिया है आपको मैं दिखा रहा हूँ, इतना सुंदर परिवेश, इतना स्नीक ब्यूटी, इतना सुंदर, आप देखते जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को पूरा नज़ारा आपको सामने रखूँ। ये हम मंदिर में आ गया है, राम टेकरी मंदिर में आ गया है, टॉप में चढ़ा हूँ, मंदिर बगल में है। अभी मंदिर में मैं प्रवेश नहीं किया हूँ, उसके पहले मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। इधर से जो मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, इधर से सनराइज और सनसेट दोनों ही आप देख पाएंगे। अगर ये पहाड़ का मंदिर का दो कॉर्नर में आप दो टाइम में खड़ा रहेंगे तो यू विल एन्जॉय बोथ द सनराइज एंड सनसेट। दूर दूर तक इतना सुंदर हमारा पहाड़ जंगल और बीच में छोटा सा शहर आपको मुग्ध करेगा। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर में है, जो रायपुर से आना चाहते हैं रायपुर से 140 किलोमीटर बाय रोड, तो नेचुरली ये ज़्यादा दूर तो है ही नहीं। और महामाया मंदिर में बहुत आदमी आते हैं, महामाया मंदिर से ये हमारा राम टेकरी मंदिर ओनली 3 किलोमीटर्स, रतनपुर चौक से हमारा जो काठगोड़ा का जो रोड जो चला गया है उस तक हमारा 2 किलोमीटर, उसके बाद हमारा 1.2 किलोमीटर्स में थोड़ा ट्रेकिंग करना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर में, लेकिन आपको पैदल में आने का दरकार भी नहीं है, इतना सुंदर मोटरेबल रोड है, आप आराम से आ सकते हैं। चलिए अभी धीरे धीरे मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। ये देखिए मंदिर परिसर है, दोनों मंदिर दिखाई दे रहा है ये सामने। धीरे धीरे मैं मंदिर का तरफ जा रहा हूँ, मैं पंडित जी से बातचीत कर चुका हूँ, इधर थोड़ा सा समस्या तो लग रहा है, देखते हैं बात करते हैं।
आपको मैं भव्य मूर्ति दिखाने का जरूर कोशिश करूंगा। नमस्कार नमस्कार, मैं राम टिकरी मंदिर में खड़ा हूँ। मेरा सामने महाराज राम टिकरी मंदिर का हमारा सामने खड़ा है। मैं उनका मुख से ये मंदिर का इतिहास सुनने का कोशिश करूँगा। महाराज आपका शुभ नाम? हाँ, इस मंदिर का निर्माण, आपका शुभ नाम बोलिए, आपका शुभ नाम? महेश प्रसाद दुबे। महेश प्रसाद दुबे जी महाराज हमारा सामने है, उनका मुख से हम लोग के मंदिर का इतिहास सुन लेते हैं। पहले बोलिए महाराज, इस मंदिर का निर्माण 17वीं-18वीं शताब्दी के बीच में श्री स्वर्गीय श्री राजा बिंबाजीराव भोसले के द्वारा किया गया था। उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया, ऐसा कुछ लोगों का मान्यता है कि जब मंदिर निर्माण करा लिए तो बाहर में जो सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा है उनको स्थापित करने के लिए वो चयन किए थे, लेकिन ऐसे बीच में ही प्रभु उनको स्वप्न दिए कि यहाँ पे एक पहाड़ी के नीचे बहुत बड़ा तालाब है, बिकमा नाम है वहाँ। तालाब का नाम क्या बोला? हम लोग तीन मूर्ति इस तालाब में है, यहाँ से निकलवा के इस मंदिर में हमको स्थापित करवा दो। वो तालाब का नाम क्या बोला? बिकमा। बिकमा, आज वर्तमान समय में उसको बिकमा कहते हैं। बिकमा कहते हैं। बोलिए पंडित जी, बोलिए। राजा वहाँ खुदाई करवाए, वहाँ से मूर्ति निकले, उनको इस मंदिर में स्थापित किए, राम लक्ष्मण सीता, उसके बाद भरत शत्रुघ्न के स्थापित किए और राम पंचायतन बनाए। इस मंदिर को राम पहाड़ी, राम मंदिर, राम टेकरी, राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। राजा की प्रतिमा भी है जो हाथ जोड़ के यहाँ खड़े हुए हैं और वो भगवान से ऐसी प्रार्थना किए थे कि भविष्य में भी मैं आपका दर्शन करता रहूं, तो उनका जो मस्तक और नेत्र जो है वो भगवान के सामने उनके चरणों पे लगा हुआ है, एक सीध में बना हुआ। अच्छा, वो राजा है कि भीमाजी राव? भगवान की भुजाएं लंबी हैं, आजान बाहु हैं रामचंद्र जी, जैसे अपन स्तुति में पढ़ते हैं कि आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खड़दूषणम मिति बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम। भगवान की भुजाएं उस समय भी लंबे ही थे और मूर्तियों में आजान भुज जो प्रदर्शित होते हैं। ठीक, धन्यवाद। मंदिर का महाराज महेश प्रसाद दुबे जी हमारा पूरा वर्णन तो किए हैं, मंदिर में विग्रह का कैसे करके अभ्युत्थान हुआ था, उसके बाद राजा हमारा मराठा राज जो भीमाजी राव इसको प्रतिष्ठा किया था, ये अब तो क्लियर हो गया। ये भीमाजी महाराज का मूर्ति उधर है, लेकिन हमारा जो इतिहासकार लोग में कुछ कुछ जगह में मैं देखा हूँ उसमें लिखा है शिवाजी राव भोसले का भी नाम लिखा है, लेकिन शिवाजी राव भोसले का कोई मूर्ति उधर तो नहीं था। इसका मूल्यांकन इतिहासकार लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा सामने श्री सत्यनारायण तिवारी महाराज जी है, ये प्रवचनकार हैं और हमारा सौभाग्य है रामटेकरी में मैं आज दर्शन करने आया था। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा परिचय बाद में, लेकिन ये इतना मैंने राम दरबार में तिवारी जी के साथ हमारा मुलाकात हुआ, उसका कंठन स्त्री तो दो शब्द तो बनता है। बोलिए। देखिए, ये जो मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं विश्वविख्यात मंदिर है एकदम। जब पहले बिलासपुर आए थे कथा करने के लिए तब हमको इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान की जो यहाँ पर मूर्ति है, विग्रह जो है, ये अजान बाहु है, घुटनों तक में इनका भगवान का हाथ जो है, विग्रह हाथ जो लंबा दिखाई पड़ता है, ये हर जगह दिखाई नहीं देगा। अच्छा, तो भगवान राघवेंद्र सरकार जी का जो यहाँ पर दर्शन है अमोघ है। इनके नेत्र बढ़िया लोकाभिरामम रणंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीराम चंद्रम शरणम ओम नमः शिवाय। एक तो नेत्र भी इनके बढ़िया विशाल है और इतने सुकोमल भगवान दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। तो आप लोग भी सभी लोग आइए और भगवान राघव सरकार के दर्शन करके अपने जीवन में उतार लीजिए। सादर जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुंदर, हमारा रामटेकरी मंदिर दर्शन तो हो चुका है। ये मंदिर का आप जो ये जो मूल हिस्सा जो देख रहा है, इसी जगह में हमारा राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी भरत शत्रुघ्न भी इधर है। इसके बाद ये जो सीधा हमारा इधर हमारा विष्णु जी है, साथ में जय विजय है। इसके बाद आप जो पुराना जो मंदिर जो देख रहा है उसका नीचे हमारा भीमाजी राव भोसले जी है, वही महाराजा है,
वो हमारा हमारा ये मराठा साम्राज्य का एक राजा था, वही हमारा ये मंदिर प्रतिष्ठा किया था। और ये जो छोटा सा मंदिर आप सामने देख रहा है, जिसके ऊपर में लाल ध्वजा दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा काल भैरव है। ये हमारा पूर्ण मंदिर का कंपोजिशन है, बहुत पुरातन मंदिर है। पंडित जी हमारा महाराज जी इसका वर्णन किया। धीरे धीरे मैं मंदिर से बाहर चला जा रहा हूँ। देखिए भव्य सीढ़ी है, इसका परिवेश भी बहुत भव्य है। ये एक आध्यात्मिक वातावरण से जुड़ा हुआ अजानुलंबित तो रामचंद्र का मूर्ति इधर है। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर में है, रायपुर से 140 किलोमीटर दूर में ये मंदिर है। तो आप लोग आइए, ये मंदिर आध्यात्मिक एक आनंद लेने के लिए ये मंदिर में आके आप आध्यात्मिक जगत से जुड़ सकते हैं। सामने देखिए वो तालाब है, वो तालाब का कहानी भी आपको पंडित जी हमको सुनाया था। ये तालाब से ही हमारा मैंने राम लक्ष्मण सीता का मूर्ति मिला था, और वही हमारा भीमाजीराव भोसले मराठा जो राज था वो प्रतिष्ठा किया था ये मंदिर में। ये तालाब का नाम है बिकोमा, और हमारा ये जो राम टेकड़ी मंदिर, इसको राम पहाड़ी मंदिर भी बोला जाता है, राम जानकी मंदिर भी बोला जाता है। और ये पूरा समग्र मंदिर को बोला जाता है राम पंचायतन। प्रैक्टिकली ये जो हमारा पंडित जी महेश प्रसाद दुबे जी महाराज जो बताए थे ना, ये 17 से 18 शताब्दी में ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था, और भीमाजी राव ये मंदिर को प्रतिष्ठा किया था। और कुछ कुछ जगह में ये भी लिखा है शिवाजी राव भोसले भी ये मंदिर का प्रतिष्ठा किया था। तो ऐतिहासिक गण इसको प्रमाण करेंगे कौन बनाए थे, लेकिन ये प्रमाणित हो चुका है जे ये मंदिर में भीमाजी राव का मूर्ति है, और वो ठीक हमारा जो रामचंद्र का राम दरबार का जो गर्भगृह है, राम का मैंने चरण का सीधा बाहर में उसका अलग से अवस्थान रखा भीमाजी राव को। दूर में हमारा रतनपुर पालिका को आप देख ही रहा है, पालिका ओरिएंटेड जितना अंचल इधर है हरा भरा लग रहा है। और इसका छोटा सा पहाड़ बोलिए, हिल बोलिए, इसके ऊपर में हमारा राम टेकड़ी मंदिर है। आज मंदिर दर्शन करने आया, विग्रह तो दर्शन कर लिया, लेकिन विग्रह को आपको सामने में देखा नहीं पाया, मन में तो थोड़ा सा खेद है, लेकिन सुरक्षा का बलाय में सब है। तो महाराज हमको बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैं उसको रिक्वेस्ट मान लिया हूँ, मैं उसका अंदर का फोटो नहीं लिया हूँ। लेकिन भीतर में हमारा मूल गर्भगृह में राम सीता एवं हनुमान जी है, और लक्ष्मण भी है। ग्रेनाइट की मूर्ति में ये विग्रह बना था। उसके बाद दोनों साइड में हमारा भरत शत्रुघ्न भी है। ठीक बाहर में राइट साइड में हमारा विष्णु जी है, उनका दो द्वारपाल जय विजय है। ठीक मंदिर का गर्भगृह का सीधा राम का रामचंद्र का आँखों का सामने हमारा ये मंदिर का जो प्रतिष्ठा किया था, वो प्रतिष्ठाता हमारा मराठा राज भीमराज जी खड़ा है। उसका बगल में छोटा सा एक भव्य मंदिर है, उसमें हमारा भैरव जी है। तो ये है हमारा पूरा मंदिर में देवता का एक अधिष्ठान का कंपोजिशन आपको बताया हूँ। मंदिर से बाहर आ गया हूँ, आके धीरे धीरे मैं नीचे उतर रहा हूँ। आप देखिए रास्ता कितना भव्य रास्ता है, मोटरेबल रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऊपर में चढ़ेंगे, मेन रास्ता से 1.2 किलोमीटर है, आप आराम से आइए। आपको कार पर्सनल कार होने से कोई व्हीकल आने से ऊपर में पार्किंग स्लॉट भी है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा गाड़ी आ जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आज जैसा मैं आया, आने के बाद और कोई नहीं था, एक परिवार आया आके चला गया। उसके बाद हमारा रायपुर से एक प्रवचन कर आया था, उनका साथ परिचय हुआ, और उनका इंटरव्यू भी मैं ले पाया हूँ। ये सामने ही उनका एक प्रवचन का स्थल निर्धारित हुआ था, तो इधर दर्शन करने आया था। उसका मुख से भी कुछ हम लोग रामचंद्र के बारे में सुना हूँ, वो आपको सामने मैं यथा समय में रख दूँगा। अभी धीरे धीरे मैं उतर रहा हूँ। ये उतरने का टाइम आप देखिए, नीचे जो तालाब है, वो तालाब का जो महिमा,
वो हमारा महाराज जी मानी मंदिर का महाराज जी ऑलरेडी आपको सामने रखने के लिए हमको वो कहानी सुनाया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये जो रामचंद्र सीता एवं ये लक्ष्मण जी ये तालाब से ही उद्धार किया गया था। ये लोग का दिव्य दर्शन हुआ था राजा को, लेकिन उसके बाद ही इसको प्रतिष्ठा किया गया था ये उनका प्रतिष्ठित मंदिर में। चलिए हम लोग को तालाब आप तो देख रहा है, धीरे धीरे मंदिर से हम लोग नीचे उतार रहा है। आप देखिए तालाब आपको सामने धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। ये कोई ना कोई जगह से हमको लगता है ये बड़ा तालाब हमारा कुठाघाट के साथ जुड़ा तो नहीं है, जरूर हो सकता है, लेकिन ये तालाब का एक आध्यात्मिक महत्व है, उसका चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा ये मंदिर में एक अधिक पावना हुआ है, वो हमारा एक प्रवचन कर के साथ मुलाकात हुआ, उसका थोड़ा सा प्रवचन भी आपको सामने मैं रख पाऊंगा यथा समय में। शताब्दी प्राचीन ये मंदिर रामटेकरी आज सनातन धर्म का धारक बाहक का काम कर रहा है। देखिए कितना दृष्टिनंदन ये अंचल है। सामने बिकोमा तालाब है, ये एक सुंदर पिकनिक स्पॉट भी है। इधर आध्यात्मिक वातावरण जैसा है मंदिर में, तो इसका सराउंडिंग्स में आप पिकनिक करने के भी सफिशियंट जगह है। ये तालाब का किनारे मैं देखा हूँ, तो ये आध्यात्मिक आनंदों का साथ साथ एक अनाबिल आनंद भी आप इधर आके ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा इधर आने के बाद। शताब्दी प्राचीन ये मंदिर का मैं पूर्ण वर्णन करने का कोशिश किया था, मंदिर में मूर्ति का बारे में, उसके बाद इसका कब प्रतिष्ठा हुआ था उसका बारे में, हमारा मराठा राज का जो स्थापत्य में जो मैंने अंगांगी भावे जड़ित तो था उसका नाम भी लिखा था। ऐतिहासिक पटभूमिका में जितना इन्फॉर्मेशन हमको मिला था मैं आपको सामने उसको रखा था। मूल्यायन करने का काम आप लोग को है, और ये मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर तो है, इधर एक मनोरम पिकनिक स्पॉट भी है, आप आध्यात्मिक आनंदों का साथ साथ अनाबिल दो आनंद भी ले सकते हैं इधर। आप आइए, हमारा ये प्रोग्राम हमारा ये अनुष्ठान आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ये उम्मीद मैं रखता हूँ। धन्यवाद।